पिंजौर दून क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में घुसा नदी का पानी। अब स्कूल में दलदल है और स्कूल का स्टाफ बाहर बैठा है। हर साल होता है स्कूल का रिकॉर्ड खराब। पिंजौर दून क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में बुधवार की बीती रात्रि को 1:30 बजे आई भारी बारिश के बाद नदी आ गई थी और नदी का सारा पानी प्राइमरी स्कूल में घुस गया था। जबकि प्रेमपुरा गाँव में भी पानी घुसने से गाँव में हड़कंप मच गया था। अब प्रेमपुरा गांव में हालात ऐसे हैं कि प्राइमरी स्कूल में बरसाती पानी भरा हुआ है और स्कूल दलदल में चला गया है। स्कूल का स्टाफ वीरवार के दिन सुबह स्कूल में पहुंचा तो स्कूल का स्टाफ स्कूल के हालात देखकर दंग रह गया। स्कूल के अंदर और कमरों में दलदल थी, मिट्टी गाद और पानी खड़ा था। कमरों में रखा स्कूल का रिकॉर्ड भी खराब हो गया। प्रेमपुरा पंचायत के सरपंच सुरमुख सिंह और अन्य पंचायत के सदस्यों के साथ स्कूल का स्टाफ स्कूल में घुसे तो हालात देखकर सभी हैरान रह गए। स्कूल के इंचार्ज सुरेश कुमार रविंदर अन्य स्कूल का स्टाफ मौजूद था और उन्होंने स्कूल के हालात के बारे में अवगत कराया। सरपंच सुरमुख सिंह ने बताया कि हर साल बरसातों में नदी आती है और हर साल स्कूल में पानी घुस जाता है, जिसके बाद हालात सामान्य होने में कई कई दिन तक का समय लग जाता है, क्योंकि स्कूल की हर चीज़ खराब हो चुकी है। कमरे के बेंच और कुर्सियां तक पानी पहुंच गया था। यहां के चौकीदार ने रात को भागकर अपनी जान बचाई थी। मिड डे मील में सारा सामान खराब हो गया है। कमरों में रखी अलमारी में रखा रिकॉर्ड गीला हो गया और रिकॉर्ड खराब हो गया। हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल का स्टाफ यहाँ प्रतिदिन आता है, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि अब स्कूल को सुधारने में कई दिनों का समय लग जाएगा। सरपंच सुरमुख सिंह ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि स्कूल को यहां से स्थानांतरित किया जाए या इसे ऊंचा करके बनवाया जाए, क्योंकि हर साल स्कूल में भारी नुकसान होता है। यदि दिन में भारी बारिश के दौरान नदी आ जाए और स्कूल लगा हो तो स्कूल और गांव के और बच्चों में मची भगदड़ के बाद क्या हालात हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। गाँव की पंचायत ने स्कूल को शिफ्ट करने की मांग की है, अन्यथा यहां बरसातों के समय में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ग्रामीणों ने नदी के किनारे पर डंगे लगाने की और पानी को मोड़ने की भी मांग की है। तकरीबन 1:30 बजे हमारा जो ऊपर गांव के साथ नदी जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आया, जिसके कारण पूरे स्कूल में पानी घुस गया। वो जो रात में यहाँ चौकीदार रहता था, उसने भाग कर अपनी जान बचाई। इतना ज़्यादा पानी गाँव में आया कि आप इंसान इतने इतना पानी गाँव में स्कूल में इतना पानी घूम गया। वही देखो गारा कितना टीचर स्कूल में हो रहा है। हमारे हेड टीचर हैं सुरेश जी, वही तो हमारे रविंद्र सर जी हैं, ये लाल कौर जी हमारी सफाई कर्मचारी है, ये मुझे मिल पाकर मनजीत कौर। वही देखो मैं आपको पूरे स्कूल का हाल दिखाता हूँ कि देखो बाहर कितना सारा टीचर पड़ा है, देखो कितना बुरा हाल है। सारा बैठा पूरा कीचड़ के साथ लगकर पड़ा है। और ये देखो ये कमरे में भी देखो, इस कमरे में देखो टेबल पड़े हैं, ये पूरे टेबल देखो कैसे कीचड़ के साथ भर चुके हैं। इतना ज़्यादा पानी इस स्कूल में घुस गया रात को तकरीबन 1:30 बजे। पिछले साल कम आता था, इस बार बहुत ज़्यादा हाल बुरा हुआ है। कोई भी आके, हमने पहले भी इसके बारे में प्रशासन को भी कई बार हमने इसकी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। इसकी जो भी हाल है इसका होना चाहिए था, हर साल इसमें पानी घुस जाता है, बहुत बुरा हाल होता है। ये बेचारी मिड डे मील वर्कर ला के इसको कई दिनों में साफ करते हैं,